स्थिति अब यह बन गई है कि खुरमानी के बाद सेब भी यहां के किसानों की आर्थिक और पारिवारिक सेहत बना रही है। पेश है लद्दाख से योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सेब का नाम आते ही श्रीनगर यानी कि कश्मीर और हिमाचल की याद भी ताजा हो जाती है, लेकिन इन दोनों राज्यों के कुछ शहरों में ही सेब की फसल का उत्पादन होता है। पिछले कुछ साल से लद्दाख के कारगिल में अकेले में ही करीब 3000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हो रहा है। अब 2-4 साल 10 साल हुआ कि लद्दाख में भी हाई डेंसिटी एप्पल को हमने इंट्रोड्यूस किया। हाई डेंसिटी मींस विद इन मिनिमम एरिया में मोर प्लांट्स आर वी कैन प्लांट हाई डेंसिटी। छोटे से एरिया पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट कम रहती है और विद इन 2 और 3 ईयर में ये बेयरिंग में आ जाता है, तो लोगों को जो है ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल एप्पल प्लांट जो है 10-12 ईयर्स प्लांटेशन के बाद बेयरिंग में आ जाता है, ये जो है विद इन 2 ईयर्स में ये अपना ये बेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो लोगों को जो है जल्दी फल आ जाता है और उनको अपना इकोनॉमी जो है मतलब शुरू हो जाते हैं। लद्दाख में करगिल में अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3000 ये कोई मीट्रिक टन की है टोटल एप्पल की। सेब का ये बाग कुछ साल पहले तक बंजर भूमि था, इसमें केवल घास फूस उग रही थी, लेकिन जमीन के मालिक ने हार्टिकल्चर के सहयोग से इस जमीन की सूरत बदल दी। अब यहां सेब के रूप में धरती सोना उगल रही है। सेब के उत्पादन के चलते इन परिवारों के रहन सहन में भी फर्क पड़ा है। किसान मुर्तजा का परिवार अब खुशहाल नजर आ रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो घर की महिलाएं खेती में हाथ बटा रही हैं। इनसे बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ। ये एप्पल लगाने से इनको कम से कम आमदनी भी रुपये 50-60-1 लाख रुपए तक आ जाता है। इनको आइंदा भी पहले कितना कमाते थे? पहले तो इसमें घास ही था, कुछ नहीं था। अब 5-6 साल हो गया ये सेब एप्पल लगा के, तब उसमें से इनको थोड़ा सा पैसा आ जाते हैं। बंजर जमीन में सेब का बाग लगाने वाले मुर्तजा अकेले किसान नहीं है। इनसे प्रभावित होकर कई किसानों ने अपनी बंजर भूमि में सेब के बाग लगाए हैं। कारगिल खुमानी का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है।